जब तक ये बूट अप हो जाता है तो आपको इसका साइड का व्यू दिखा देते हैं। ये रहे इसके साइड के सारे, और ये बूट अप हो गया है। करते हैं इनको इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके आपको इसका कैमरा और जो इसके फीचर हैं वो सारे दिखा देंगे कि कितना बढ़िया कैमरा है भी इसका या नहीं। तो करते हैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल। सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा इसका स्टार्टअप मेनू। डिस्प्ले इसका काफ़ी बढ़िया है, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है इसका। रिफ्रेश रेट जो बहुत काफ़ी बढ़िया है। और बाकी जो है इसको सेटिंग में देख के दिखा देते हैं आपको। कलर ओएस आपको जो मिलता है इसमें वो है सबसे लेटेस्ट 13.1, और डिवाइस आपको दिख जाएगी। और ये वेरिएंट है 256 GB का, और स्नैपड्रैगन 695 आता है इसमें 5G। कैमरे इसके आप देख सकते हैं, रियर कैमरा 64 MP और 2 MP और 2 MP का है, और फ्रंट जो मिलेगा आपको 32 MP का है। आपको चेक करा देते हैं लाइव। तो ओपन करते हैं कैमरा, और इसका जो क्लैरिटी है वो कितना ही बढ़िया है आपको दिख जाएगा। अभी लाइव चेक करेंगे इसको। पहले ये नॉर्मल फ़ोटो खींच लेते हैं, और इसमें 1x और 2x है, तो 2x भी ठीक ही लग रहा है। पर कैप्चर करके दिखाते हैं आपको कि कितना बढ़िया है ये। दोनों जूम करके दिखाएंगे आपको ताकि पता चले ये कितना ही क्लियरिटी है इसका। ठीक है, एवरेज है, इतना भी बढ़िया नहीं है। तो वीडियो भी चेक करेंगे इसमें। है तो ये दोस्तों चाइनीज़ ही, तो इतना भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है इसका। चेक कर लीजिए आप, तो ज़ूम काफ़ी बढ़िया है, इतना अच्छा है इतने बजट में। तो वीडियो चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको रेजोल्यूशन जो है वो मिलता है HD और Full HD। इसमें किसी भी 2K 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से इतने महंगे फ़ोन में ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये तो आजकल सस्ते फ़ोनों में भी आ जाता है 4K का ऑप्शन, पर इस फ़ोन में नहीं है। तो ये फ़ोन कम से कम इसका रेंज कम ही होना चाहिए 20 के अंदर, लेकिन ये कंपनी ने 25,000 में लॉन्च किया है। तो आपको दिखाते हैं इसका, ये देखिए वीडियो, ये Full HD वीडियो है 60 FPS। तो उस हिसाब से ये वीडियो इतना भी बढ़िया नहीं है। और स्टेबलाइजेशन आपको इसका चेक करा देते हैं कि कितना ही बढ़िया है, चेक कर लीजिए। तो दोस्तों स्टेबलाइजेशन जो है वो बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ की कमी है जो कि रेजोल्यूशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। Full HD का रेजोल्यूशन है इसमें, तो आज के टाइम में ये बहुत कम है। तो इसमें एक ऑप्शन और आता है माइक्रो लेंस का, तो जो 40x तक जूम करता है। तो आपको दिखा देते हैं कितना ही जूम करता है, जिसके लिए ये मेन इसमें फोकस किया है कंपनी ने। ये 500 का नोट है, इसमें आपको 40x 20x जूम करके दिखाएंगे। तो ये नॉर्मल आइज से इतना जूम नहीं दिखता है, पर आज तक ये समझ नहीं आया कि कंपनी ने ये किसके लिए कर रही है इतना जूम के लिए। कौन लेगा इस फ़ोन को इतना महंगा। जूम तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है, हमारे तो बिल्कुल भी काम का नहीं है ये। तो आपको ये कपड़े पे भी दिखा देते हैं कितना जूम करता है। ये देखिए छोटे छोटे दागे भी दिख रहे हैं इसमें।
तो जूम तो काफ़ी बढ़िया है लेकिन है बेकार, किसी काम का नहीं, ना तो ये किसी मतलब का है। तो स्किन वे भी टेस्ट करवा देते हैं। अगर इसमें हमें जर्म्स दिखाते तो फिर और ज़्यादा बढ़िया होता, पर नहीं, इस पे कुछ भी नहीं दिखता है, ये नॉर्मल स्किन की तरह ही दिखती है, बस थोड़ा सा जूम हो जाता है। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये तो आजकल सारे ही ब्रांड दे रहे हैं, किसी भी काम का नहीं है ये जूम। तो बाकी ओवरऑल बात करें तो डिस्प्ले इसमें काफ़ी बढ़िया है, 120 हर्ट्ज़ की, तो स्मूथ तो काफ़ी है। एक और फीचर है इसमें जो कि यूट्यूब में दिखाया है इन्होंने, तो जिसमें आपको वॉल्यूम जो है वो डबल मिलता है, बाकियों में 100 है, इसमें 200 मिलती है। आपको चेक करा देते हैं। ये हमने कर दी इसकी 2x, और ये रहा, आपको दिख जाएगा 200 तक चला गया है वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा मिलती है। बस ये फीचर जो है कंपनी ने डाल दिया है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों फ़ोन के फ़ीचर जो है आपको दिखा दिए हैं सारे, और आपकी मर्ज़ी आप अगर ये ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। शुक्रिया आपका देखने के लिए, धन्यवाद।